हाँ हम तो रेडी है। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली हम एक शो कर रहे थे 9 साल पहले स्टार प्लस के लिए, इट वॉज कॉल्ड एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। तो शायद हम लोग ने वो टाइटल बहुत सीरियसली ले लिया और एक दूसरे से अभी भी हम बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे हम लोग उस शो में एक्चुअली भाई बहन थे, सिबलिंग्स, एंड सिबलिंग्स से छोड़ो हम लोग ट्विंस थे। पता नहीं प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या चल रहा था व्हेन ही वांटेड अस टू प्ले ट्विंस, बट आई थिंक डेस्टिनी हैड इट्स वे और हम लोग उस शो से मिले और अभी तक साथ में हैं। फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी ये जानना चाहूंगी कि एक दूसरे के बारे में क्या सोचा था जब आप दोनों मिले थे। मतलब जब हम मिले तो पहली बार जब मैंने इसको देखा तब मुझे लगा यार ये कैसी नक्चड़ी सी है, अपने आप खड़ी है, एक साइड पे बात नहीं कर रही है, कुछ नहीं, और आई डोंट नो व्हाट शी फेल्ट अबाउट मी। एक्चुअली ये ना हम लोग एक डाइनिंग टेबल का एक सीन कर रहे थे और पीछे से वो मेरे से बाल खींच रहा था, मतलब मैं सोची थी ये कैसा है ये लड़का, मतलब ना जान ना पहचान, ये मेरे बाल सीन में खींच रहा था। आई थिंक कि आई डोंट रिमेम्बर और बहुत साल हो गए, कि कितना नॉटी लड़का है, माय गॉड इसको झेलना पड़ेगा पूरा शो। और फिर पता चला कि नहीं ये नॉटी मतलब सबके सामने ही है, नहीं तो ही इज वेरी शांत एंड क्वाइट। मैं बोलूं? हाँ। मैं तो हमेशा मतलब आई ओनली टॉक टू मच जैबरिंग। तो एक्चुअली हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बिकॉज हम लोग शूटिंग अगर साथ में करते तो वी इंटरैक्ट ऑल द टाइम टुगेदर, तो बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी भी आई थिंक हमारी पूरी रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही दोस्ती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा, और हम तीन भाई और एक बहन थे, मतलब मेरे तीन भाई थे शो में और एक बहन, तो लड़की को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है ना, तो हमेशा सब मुझे ही इंपॉर्टेंस देते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक बार कोई और लड़की हमारे सेट पे आई और सब उससे बात करने लगे, ये जब उससे बात करने लगा मुझे बुरा लगा, मुझे लगा ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है, तो मुझे तब लगा कि शायद मेरे दिल में कुछ है मतलब उसके लिए। तो मेरी शुरुआत तो ऐसी ही, मुझे भी, मैं इनफैक्ट जब मैं इससे मिला ना, जब फाइनली हमारी बातचीत हुई शुरू, तो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मुझे तभी यू नो मुझे बहुत पसंद, आई लाइक्ड हर अ लॉट, सो आई थॉट दैट ओके चलो, बट देन आई थॉट दैट नहीं नहीं यार फिर फ्रेंडशिप का क्या होगा, दोस्त अच्छे दोस्त तो अक्सर कम ही मिलते हैं, मैंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं करते हम लोग दोस्त ही रहते। फिर जब यू नो मुझे पता चला कि अच्छा इसको भी थोड़ा सा है, तो फिर मुझे लगा हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर दोस्ती खत्म। मतलब she was waiting कि ये कुछ बोले तो मैं बोलूं। रिस्क, बाप रे, माय गॉड, नो आई डोंट थिंक इट वाज रिस्की एट ऑल। इनफैक्ट हमने दोनों ने, हैव यू एवर लाइक ऐसा कुछ प्रपोजल अभी तक नहीं हुआ, बस अभी 2 महीने पहले मैंने कहा तुझे, देखो तुझे शादी करनी है मुझसे तो गो डाउन ऑन योर नीज और आस्क मी टू मैरी यू, ये तो चाहिए ना, कुछ तो ड्रामा चाहिए, तो मैंने उसको यही बोला, पर अदरवाइज ऐसे कुछ मतलब साइलेंस में बात हो गई हमारी। ट्रू। आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा हाइपर हूँ, आप देख ही सकते हो, और इससे भी ज़्यादा हाइपर थी, तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी में उसने बहुत ही बैलेंस कर दिया मेरी ज़िंदगी को, इट इज़ बैलेंस्ड नाउ। आई फील के जो मैं बहुत ही चंचल थी, हाइपर थी, आई थिंक आई हैव जस्ट काम डाउन एंड बिकम मोर मैच्योर एंड मोर बैलेंस्ड। या एंड व्हाट आई लाइक अबाउट हर इज दैट इसका जो एटीट्यूड है ना लाइफ में, मतलब मैं कैसा हूँ ना, मैं बहुत ही मतलब आराम से सब जो हो रहा है चलने दो, ठीक है करेंगे क्या करना है, शी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसको कुछ चाहिए ना तो अब भी मतलब अब भी उठो अब भी करो सब, रात को 3 बजे उठ के भी अगर इसको कुछ चाहिए ना तो 3 बजे उठ के भी वो करेगी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यू नो कि अगर यू नो इफ एवरीबडी कैन डू दैट देन माई गॉड यू नो वॉट अ प्लेस इट वुड बी। आई थिंक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का ही सिनेरियो था हमारा, मतलब ये एकदम ही थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, और आई थिंक वही तो मैं बोल रही हूँ कि बैलेंस, वी जस्ट बैलेंस ईच अदर परफेक्टली। फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि दो हमारे नेचर्स बहुत अलग है ना, हमारा जो कोर है वो सेम है, और इसलिए शायद इतने साल से हम लोग साथ में, बिकॉज जो कोर वैल्यूज होते हैं, जो कोर विजन्स होते हैं लाइफ के, वो सब सेम है, बाकी हम बहुत ही ज़्यादा अलग है। मुझे भी पता है।
अब ये काम से जब वापस आता है ना तो ये यहाँ पे बैठ के 150 वॉल्यूम पे टीवी देखेगा. मुझे लगता है कि मतलब इसके कान में आई थिंक आई शुड टेक हिम टू ईयर का डॉक्टर. बट बस अभी तो यूज्ड टू ही हो गई हूँ मैं. और इसका ना मैं हम जब से हम रह रहे हैं साथ में मैं इसको कम से कम मैंने 100 बार इसको बोला है. दिन में 100 बार पूरे टाइम में 100 बार नहीं, दिन में 100 बार मैंने इसको बोला है कि बच्चा बाथरूम से निकलने के बाद बाथरूम का दरवाजा बंद करो. बट ये करती हाँ मैं भूल गई. मेरे पास एक एक्सक्यूज होता है, अरे आज कुछ मच्छर नहीं दिख रहे थे, अरे आज ये था, भूल जाती हूँ मैं. सबसे ज्यादा सरप्राइजेस कौन देता है? अभी तक आप ये सवाल पूछ रहे, आपको तो पता चल रही मतलब हमारे इंटरव्यू से. अरे डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं. मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें करती है ना कि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है, स्पेशली मी, क्योंकि मैं तो यू नो आई एम नॉट अ वेरी सरप्राइज काइंड ऑफ पर्सन. मुझे आता ही नहीं है सरप्राइज देना. तो मुझे अगर इसको सरप्राइज भी देना है ना, जैसे कुछ मुझे अगर इसके लिए खरीदना है या कुछ, तो मैं थोड़ा ट्राई करूंगा ओके. बट इवेंचुअली मैं इसको ही फोन करके पूछूंगा, लिसन तन्वी आई एम गोना गिव यू अ सरप्राइज, तुम्हें क्या चाहिए तो मुझे बोल दो मैं लेके. तो ऐसा होता है. बट ये जो देती है ना वो माशा अल्लाह होते हैं. ओके, शॉपिंग के लिए सबसे पहले कौन रेडी होता है या फिर जाने? मैं तो मैंने बोला ना मैं ऐसा हूँ कि मुझे अगर बोले कोई कि आप बस यहाँ बैठो और आप सो जाओ तो मैं पूरा दिन सो जाऊंगा. शादी के लिए मैंने उसको कितना फोर्स किया था कि नहीं अपनी शादी पे नए कपड़े पहनते हैं. अरे वो कुर्ता है ना वो पे मैं पहन लूंगा. मैंने कहा नहीं भाई नहीं चलता ऐसा, वी हैव टू बाय. ओके, सो आप कौन सा ड्रेस ज्यादा पहनना पसंद करती हैं, वेस्टर्न या फिर वेस्टर्न? तो हम नॉर्मली पहनते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर मुझे कोई पूछे तो आई वुड से कि मैं 70s की लड़की हूँ. आई वुड लव टू वेयर साड़ीज एवरी डे. मुझे साड़ीज पहनना बहुत ज़्यादा, बट मैं पहनती नहीं हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि पिन और ये सब कुछ कौन संभालेगा. बट आई लव वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स, आई लव इट. ये सब मेरे को इतना फील दे रहा है ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं ये सब मतलब अपनी जिंदगी के लिए कर रही हूँ एंड नॉट फॉर शूटिंग लाइफ. ओके आदित्य, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितना पसंद करते हैं वेस्टर्न या फिर? नहीं मैं खुद अगर जब मुझे खुद पहनना है तो द थिंग दैट आई लाइक टू वेयर द मोस्ट इज शॉर्ट्स एंड टी शर्ट. ये मेरा फेवरेट है. कुछ भी कहीं भी शादी में भी जाना है या किसी के फ्यूनरल पे जाना है या कहीं किसी दावत में जाना है, आई लाइक टू वेयर शॉर्ट्स एंड टी शर्ट. फिर डायन आई जिंदगी में और डायन ने बोले नहीं नहीं ये शॉर्ट्स को थोड़ा लंबा करो, टी शर्ट में थोड़ी स्लीव लंबी करो. तो बट ऑफकोर्स यू शुड ड्रेस यू नो फॉर द अप्रोप्रिएट ओकेजन. तो अच्छा ही है वो संभाल लेती है, वरना मैं तो सब जगह शॉर्ट्स में ही पहुंच जाता. एंगेजमेंट से लेकर शादी तक की जर्नी जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने एंजॉय किया और क्या-क्या ज्यादा पसंद आया. एंगेजमेंट हमने शायद 2013 में किया था. 7 इयर्स पहले हमने एंगेजमेंट किया और 7 साल में मतलब हमने बोलते हैं ना कि 7 फेरे हुए हैं हमारे 7 साल में. तो हर एक वो 7 फेरों में जो जो होता है ना, ये थ्रू दैट थ्रू ये वो सब हुआ है हमारे साथ. और उसके बाद भी हमने सोचा है कि नहीं हमें साथ में ही रहना है. तो 7 साल के बाद हम साथ हुए. So, ये कह सकते हैं कि 7 साल आप शादी का ये तैयारी कर रहे थे? नहीं बिल्कुल तैयारी मतलब शादी की तैयारी नहीं कर रहे थे. शादी के पहले एक्चुअली कितने मंथ लगे आपको तैयारी करने? वही हम लोग ने कहा ना कि हमारा कोर सेम है, चाहे हम लोग कितने भी अलग क्यों ना हो. वी नेवर वॉन्टेड अ बिग वेडिंग. ये तो कोरोना आई थिंक ये तो पूरा एक एक्सक्यूज हो गया हमारे लिए. तो ब्लेसिंग मतलब सबके लिए नहीं, बट इन दिस मैटर आई फील कि वी वॉन्टेड एनी वे वेरी स्मॉल फंक्शन. हमें सिर्फ कोर्ट में जाके साइन करना था और कुछ नहीं करना था, एक पार्टी में भी फॉर द फ्रेंड्स एंड फैमिली. लेकिन जब हमने अपनी फैमिली को ये चीज़ बताई तो इसकी मामा, उसका चाचा, मेरी मम्मी, सब लोग ने अपनी अपनी मतलब एडवाइस दी और सबने कहा कि नहीं कुछ ज़्यादा होना चाहिए. इसलिए हमने फिर अपने ही स्मॉल जोन में अपने ही दोस्तों के साथ हमने एक मेहंदी किया और एक फिर डिनर प्लान किया. तो ये जो है प्रेपरेशन आई डोंट थिंक कुछ भी था, लास्ट मिनट ही सब कुछ धीरे 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 हो गया एंड फाइनली इट एंडेड आउट वेरी ब्यूटीफुली. सो अभी तक क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं आप दोनों को लेकर, या फिर ड्रेसेस को लेकर, या फिर शादी कोई भी सेरेमनी को लेकर जो आपके दिल के करीब हो? कॉम्प्लीमेंट्स या फ्रेंड्स? कॉम्प्लीमेंट्स आई थिंक आदि को ये मिले हैं दैट ही हैज पुट ऑन लॉट ऑफ वेट. या वेल मतलब सब बोल रहे हैं वाह, माय मदर इज वेरी हैप्पी, वाह आदि हैज पुट ऑन सो मच वेट, मतलब यू आर फीडिंग हिम वेरी वेल एंड ऑल. इन 30 इयर्स ऑफ माय लाइफ आई हैव बीन वन नंबर वेट. मतलब मैं उस वेट पे एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, पहली बार मेरी लाइफ में मैं उससे 5 ऊपर गया. तो मतलब दैट इज लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी.
और आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स मुझे आई थिंक इट्स द आई गॉट द मोस्ट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन माई सारी व्हेन आई वाज वेयरिंग द सारी, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, इसलिए मैंने आदि का पोर्ट्रेट और मेरा पोर्ट्रेट पेंट करवाया अपनी साड़ी के पल्लू पे, और मैंने वही साड़ी पहनी. सो दैट आई थिंक कुछ बिकॉज हम लोग कोर्ट ही जाने वाले थे, मैंने कहा कोर्ट में पूरा ताम झाम तो मैं बेवकूफ़ लगूंगी, लेकिन कुछ तो टच होना चाहिए, इसलिए मैंने ये करवाया. बट ऑल्सो वन कॉम्प्लीमेंट दैट आई गॉट द मोस्ट इज दैट आई एम वेरी लकी एंड आई फील दैट्स राइट. हम अगर साथ में अगर इफ somebody would you know would cast us for hero heroine opposite each other तो मजा आ जाएगा, क्योंकि then तो मतलब I think it's whatever because already हम इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, अगर उस प्रिंट स्क्रीन पे आ जाएगा तो पूरा realistic लगेगा पूरा. हालांकि हमने एक मूवी की है गुजराती फिल्म, I think how long has it been? Oh yeah, it's been 5 years I think. 5 years हो गए, we did a गुजराती मूवी where he was opposite me only, so that was a lot of fun, yeah. पहली रसोई एक्चुअली जब हम लोगों ने गृह प्रवेश किया था तो मैंने सबके लिए वो केसर बादाम का दूध बनाया था, और मुझे ऐसे कुकिंग आई एम नॉट लाइक वेरी वेल वर्स्ड इन कुकिंग, इसलिए मेरी जो मॉम इन लॉ है उसने मुझे एक एक स्टेप में गाइड किया था कि ये बनाना, अभी ये शुगर डालना, शी वाज सो हेल्पफुल, नहीं तो मैं अटक जाती किचन में. सो या आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जो भी है मेरे जितने फ्लॉज है, मुझे जो भी नहीं आता, आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल फैमिली टू मेक श्योर कि यू नो सब सपोर्ट, मतलब सब बैलेंस हो जाए. नहीं वैसे कुकिंग तो नहीं आती है, बट जब हमारा झगड़ा होता है तो मैं मैनेज कर लेता हूँ. झगड़ा पहले कौन बोलता है? मैं ही करता हूँ झगड़ा तो मैं ही करता हूँ. सॉरी कौन पहले बोलता है? सॉरी तो बोलो बोलो. अब आपको तो पता ही है बोलो बोलो किसको बोलना चाहिए किसको बोलना पड़ता है, तो मैं क्या बताऊँ, आप तो समझ नहीं. मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ. समथिंग एवरीथिंग शुड जस्ट बी फाइन एट द एंड ऑफ द डे. Yeah, she does say sorry a lot. Okay, so प्यार कौन जाता था पहले, I love you कौन बोलता है ये? मैं. तन्वी. Surprise, प्यार, ये सब. सब, क्योंकि मैं ना, मैं बहुत ही ऐसे shy type, reserve type बंदा हूँ, तो मुझे लगता है इसको तो पता है ना I love you, तो बार बार बोलने की क्या जरूरत है. तो जब ये man of few words जो बोलते हैं ना, ये man of few words ही है, और मैं woman of many words हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अगर आपको साथ में दोनों को जाना होगा तो कौन से कंट्री में आप जाना चाहेंगे? इटली. Yeah, I think Europe का belt मैं गई हूँ, and I want him to also see the place. ऐसा नहीं है कि you know let's go to a different place जो तुमने भी नहीं देखा, ऐसा नहीं है. मैंने देखा है, मुझे पता है उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं दूसरी बार चली जाऊँगी ताकि he can just have a really good time seeing the place. But if there's a place that she has not seen and we would both go together, would be Masai Mara or something. Yeah, because we both love animals. तो कोई ऐसी जगह Masai Mara is beautiful where we can just see animals. शादी के पहले ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपके दिल के पास है, और शादी के बाद ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप दोनों के दिल के पास है? शादी को तो अभी 2-3 ही दिन हुए. हाँ, बट वो वाउस का रियली इज ट्रू, क्योंकि सब पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है. मैंने कहा कि हम लोग इतने सालों से साथ में, तो मुझे बस लग रहा है कि हाँ अभी ये आ गया यू नो वट एवर. बट हम लोग ने जो क्रिश्चियंस लोग जो वाउज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, हमने वो थोड़ा सा अलग ट्विस्ट किया था अपनी शादी में, और बस अपनी फैमिली के सामने हमने एक दूसरे को वाउज बोला था. बट उस टाइम पे मुझे लगा कि कुछ वो जो शिफ्ट होता है ना, वो इस पर नहीं हुआ, इस पर नहीं हुआ. बट मुझे वो ड्रेसअप वाला फील हुआ, अरे वाह अब तो मेरा सिंदूर है, अब तो मेरा. बट वो जो वाउज एक्सचेंज कर रहे थे, मुझे लगा कि कुछ शिफ्ट हुआ है, मतलब that was very very beautiful. aur mere liye to sabse cherished memory wo hai. I think even for me that is one moment that you know just everything froze. Indeed. And sab kuch aise matlab ruk gaya aur khali Tanvi mujhe dikh rahi thi. I think that's one of the most you know as so far memorable moment. Okay, aur shaadi ke pehle ki baat ki jaye to kaun si aise memory hai? Shaadi ke pehle to aise bahut sare moments hai, matlab you know share karna chahiye. मैं बताऊंगा, जब मेरा एक बर्थडे था, उस बर्थडे पे तन्वी ने मेरे लिए एज अ गिफ्ट उन्होंने एक किताब बनाई थी, और उस किताब में मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, उन सब के मतलब फोटोग्राफ्स के साथ उनकी एक मेमोरी मेरे साथ, और वो एक पूरी स्क्रैप बुक टाइप बनाई थी, और वो दैट होल स्क्रैप बुक वॉज अबाउट 50 or 60 पेजेस. And that all that she did in I think 5 days or a week. So that is something ke mujhe lagta hai ki agar duniya mein kisi ko kuch karna hai na, to koi kuch bhi kar sakta hai.
because otherwise कैसे it's not possible. So that is one of the very one of the moments that I cherish a lot. ऐसे कोई सरप्राइज या ऐसे कुछ मैं नहीं बोलूंगी, बट आई फील एवरी स्मॉल मोमेंट. आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग हियर, दिस इज अ लिटिल सेंटिमेंटल. आई जस्ट लॉस्ट माय फादर फ्यू मंथ्स बैक. तो जब मुझे न्यूज़ पता, ही वाज इन यूएस, तो हमें जब मुझे जब न्यूज़ पता चला, तो मैंने मेरी आंटी ने मुझे एक्चुअली ये चीज़ कही थी, तो मैंने उनकी आंखों में बस डाके में कोई रिएक्शन नहीं निकला था. मैं बहुत ज़्यादा शायद शॉक थी तब, तो मैंने बस अपनी आईज उनके आईज में डाल के मैंने कहा आदि, मतलब आदि को बुलाओ, मुझे बस उसका फेस देखना है और सब मेरे लिए ठीक हो जाएगा. और जब आदि आया और मैंने बस उसको वो एक्सचेंज किया, मैंने कुछ उसको बोला नहीं और उसने भी कुछ नहीं बोला, मैंने बस उसको एक्सचेंज किया, मतलब लुक एक्सचेंज हमारा हुआ, और मुझे उस टाइम पे इतना प्रोटेक्टेड वाला फील हुआ. और उसकी आँखें ने आई थिंक दे सेड सो मेनी थिंग्स टू मी कि वो मेरे लिए सबसे चेरिश्ड मोमेंट था. आप दोनों में से इमोशनल ज्यादा कौन? मतलब जो भी है, मैं या आई एम वेरी वेरी इमोशनल. मैं तो किसी को भी देख के, मतलब कुछ भी हो जाए, आई स्टार्ट क्राइंग एंड आई गेट वेरी वेरी इमोशनल. बट आई थिंक वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव मैं हूँ. इसके भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है, वो सब अंदर ही अंदर रखता है, बट जो एक्सप्रेस होना होता है वो मैं करती हूँ. वैलेंटाइंस डे पे तो हम लोग अपनी ये जो शादी है जो सब प्लान कर रहे थे, तो मैं तो भूल ही गई कि वैलेंटाइंस डे है. दिस वैलेंटाइंस डे हमें कुछ याद ही नहीं आया, क्योंकि लोग आ रहे थे, लोग मतलब होटल करना था, ये करना था. तो लास्ट में किसी ने वैलेंटाइंस डे, मेरी आंटी ने रेड कलर पहना, तो मैंने कहा वाओ रेड कलर, तो उसने कहा आज तो वैलेंटाइंस, मैंने कहा व्हाट वैलेंटाइंस डे, मुझे पता भी नहीं वैलेंटाइंस डे है. तो हाँ इस साल ऐसा हुआ, नहीं तो वी ऑलवेज डू समथिंग स्पेशल, बट दिस ईयर तो सब भूल ही गए हम. बट आई थिंक वी आर बोथ एक्साइटेड अबाउट इट जेन्युइनली. हां अपने